पूछा मैंने कब लाई, कब क्यों लाई, मेरे लिए लाई, किसके लिए लाई। तेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है। अबे तू प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में पूरी। सपोर्टिव छोड़ो, बिल्कुल भी तरस ना आया छोटे भाई के ऊपर। It was at this moment that he knew. He fucked up. So hey guys, welcome back to my new prank video. आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार करने वाला हूँ मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी बहन के ऊपर। सो मैं अपनी बहन के ऊपर करने वाला हूँ, गुस्सा होने वाला हूँ, करने के वाला गुस्सा होने वाला हूँ। तो इस प्रैंक में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं अपनी दीदी के रिएक्शन चेक करता हूँ। आपने काफी सारी मेरी वीडियो देखी होंगी, मैं किसी लड़के के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, रिया के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, बहुतों के ऊपर गुस्सा कर चुका हूँ, बट मैंने आज तक अपनी बहन के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करा है। तो मुझे आज यहाँ से दुख होगा गाइस, दुख। हम मिलते हैं वीडियो के अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेके आने वाला हूँ। अभी नहीं बता रहा, वीडियो का मजा बिगड़ जाता है। हम मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाय, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, भूलना मत। लव यू ऑल, बाय। अरे एक सेकंड, मैं गुस्सा किस वजह पे करूंगा यार, ये तो मुझे कोई बात ही नहीं गुस्सा करने वाली मेरे पास। ये तो सोचा ही नहीं, परान दो यार। बुला लिया मैंने अपनी बहन को, बड़े गुस्से में फोन करा था वो, के लिए भाई ने ली नहीं कैमरा, चालू नहीं करा, कोई नहीं, वो दिखा नहीं पाया हमने उनको। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता, कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर। ये भाई क्या हुआ, देखना तेरे लिखे हम कर लिया था मैंने, मम्मी ने दिलवाया था, पता है, देख लिया मैंने, घर पे यहाँ लाने की जरूरत थी इसको। आप जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ ये भी चलेगा, थोड़ा ना दूर रहकर बात करो, कैसी मूड खराब है मेरा। तेरे पास मूड फूड है भी या बस वैसे ही? क्या हुआ भाई? क्या दो मिनट खड़ी हो जा भाई, मैंने बुलाया बात करने के लिए, बुलाया ना मस्ती करने के लिए, मस्ती के मूड में दिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ। हर चीज टाइम पर अच्छी लगती है, बिना बात के ये सब ड्रामा मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कौन सा ड्रामा किया? बात करने के लिए खड़ी हो, दो मिनट है बात कर मेरे से बस। पूछा मैंने कब लाई, कब क्यों लाई, मेरे लिए लाई, किसके लिए लाई। रुचि बहन मैं बता रहा हूँ, मेरा मूड ना बहुत खराब है, दिख नहीं रहा तुझे, तो दो मिनट खड़ी हो जा, मैं शांत हो जाऊँ उसके बाद बात करता हूँ तेरे से। पहली बात ये बता, क्या प्रॉब्लम है तुझे मुझसे, मेरी लाइफ से क्या प्रॉब्लम है ये बता। जोर से बोल, आवाज नहीं है भाई, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने क्या कर दिया? मैंने ये पूछा है कि तुझको मेरी लाइफ से मुझसे क्या प्रॉब्लम है ये बता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे, मैंने कब कहा मुझे तुझसे प्रॉब्लम है भाई? मैं लड़कियों से बात करता हूँ, तुझे दिक्कत क्यों होती है? होती है तो ऐसे क्यों बात करेगा किसी भी लड़की भाई से? क्यों होती है, मेरी लाइफ में बात नहीं कर सकता? कर सकता है पर ऐसे नहीं कर सकता जैसे कभी कभी करता है तू, मैं डांट लगाती हूँ तो। मैं कैसे ही बात करूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी वजह से ना तो आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी है, ठीक है, सिर्फ तेरी वजह से। अभी तो 18 साल का हुआ है। चुप, ये नहीं पूछ रहा मैं तेरे से मेरी कितनी है कितनी नहीं। देख मेरा ना आज बहुत मूड खराब है, मैं ना सोच सोच के परेशान हो चुका हूँ। क्या है भाई, और तेरी क्या हरकत है ये है? जब देखो रात में कॉल करके कहे वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? घर में मम्मी पापा के सामने मैं कुछ नहीं कहता, उसका मतलब क्या है भाई? रात बड़ी है बहन, तू बड़ी है, सुन सुन, दहली की तेल लगाने बड़ी है तू, हर एक बात नहीं मानूंगा मैं तेरी। मैं तुझे ना तेरी भलाई के लिए रोक लिया, रात को निकलना सही है, तू 2 बजे रात को उत्तम नगर गया था, जाना जरूरी था क्या तेरा? मैं तो सुबह के 4 बजे भी गया हूँ भाई, तो दिन में चले जाना, दिन होता है वो किस लिए होता है, तू रात को 2 बजे जा रहा है, क्यों जा रहा है रात को 2 बजे?
मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तू मुझे एक्सप्लेन करेगा तू क्यों रोकती है क्यों वो करती है। मैं ये कह रहा हूँ आज के बाद ना तो तू किसी भी काम की मुझे रोकेगी कि वहाँ मत जा, इस लड़की से बात मत कर, ठीक है? समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल भी। क्या हो गया है तुझे? मैं नहीं रोकूंगी तो कौन रोकेगा तुझे? पानी ना सर से ऊपर चला गया, सर से ऊपर, यहाँ तक था पानी गर्दन तक, मैं जी रहा था, अब नाक से नहीं सर से ऊपर जा चुका, मैं डूब रहा हूँ, अब मुझे तैरना है। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर भाई? कह रहा हूँ मेरा मूड खराब है। देखो देखो नंबर एक का कबीना है। क्यों ना करूं मैं गुस्सा? क्या यार लाइफ दी है भगवान ने, मुझे भी आजादी मिली है, क्यों ना करूं? मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं होती भाई, वो समझती नहीं है। मैं समझता हूँ ना, रात को माहौल अच्छा नहीं होता, दो बजे जा रहा है तू उत्तम नगर। मैं पहली बार अकेला नहीं जाता हूँ। तो क्या हो गया, उन दोस्तों के साथ जा रहा है? दोस्त जाते हैं। हो गया ना तेरे उन दोस्तों का एक्सीडेंट? तू एक्सीडेंट तो मेरा भी हुआ है भाई, तो रोकती हूँ ना मैं। और वो भी तुझे मेट्रो छोड़ने में दो बार एक्सीडेंट हुआ है, मेरा दिल्ली में बस दो बार एक्सीडेंट हुआ है, वो भी तेरी वजह से। कुछ दिन पहले जब तू कॉलेज जाती थी मैं छोड़ता था तुझे भाई, मैं मेरी वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ है? हाँ दो बार ही, सुबह सुबह 8 बजे जब तू मुझे उठा के वहाँ मेट्रो के लिए जाती थी तब हुआ है। मैंने कुछ तो बोला नहीं कि मैं तुझे छोड़ने नहीं जा रहा, तेरी वजह से हो रहा है, मैंने बोला तेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से? अबे तू प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में पूरी। तुमने बहन को प्रॉब्लम बता रहा? बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी। कैसी बहन है तू? सपोर्टिव छोड़ो, बिल्कुल भी तरस ना आया छोटे भाई के ऊपर। सब रो लो, कुछ भी कह दो तो रो लो। भाई सुन इधर आ, देख इधर आ, इसलिए ना मैं दिल की बात ना दिल में रखता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करता किसी के ऊपर। मुझे पता है मैं रात में कितना रोया हूँ, जैसे तू बस रो रही ना ऐसे मैं डेली रोता हूँ अपनी रात में, रात में। ठीक है मैं तेरे लाइफ में अब कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, तू जा। अटका तो किया है यार, मैं तो रात को रोकती हूँ तो मुझसे ही कह रहा है मैं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ। ले सिगरेट भी ले। तेरे पॉकेट में सिगरेट क्या कर रही है? मैं रात को यही तो पीता हूँ जब मैं रोता हूँ, मुझे लगा तू रो रही है तो तू भी पी ले। It was at this moment that he knew. He fucked up. खत्म। Bye bye. Tata. मैं सिगरेट की पॉकेट में कुछ नहीं कर सकता, मैं इसलिए सिगरेट मेरी पॉकेट में कर रही है। Wow. तो मेरे ना होठों से ना सिगरेट लगती है तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे ना हंसी आता है। बहुत देर हो गई है, मैंने तब से कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में कुछ कह रहा है कहने दू। हो गई इसे प्रॉब्लम मुझसे, ज्यादा इंटरफेयर करने लगी हूँ मैं इसकी लाइफ में। पर सिगरेट से ना हाथ मत लगा दियो, इन्हीं चीजों से ना मुझे दिक्कत है तेरे से। ये चीजें जब तक मैं रहूंगी तब तक रहेंगी। पिछो के बात कर, पिछो के। क्या लगा रखा पिछो के बात कर, बहनों मैं तेरी कोई लड़की नहीं दूसरी तो पिछो के बात करूं? तेरे पास दिमाग है कि चल गया? तेरे पास दिमाग है कि चल गया? चल गया। आप बता। तुझे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज्यादा। तुझे जिससे प्रॉब्लम होनी चाहिए उससे तो तुझे प्रॉब्लम होती है नहीं। जा सकते हो घर, तुझे घर जा सकते हो, इतनी बातें हो गई क्लियर। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है ना तो होगी मेरे को बात, अब जा सकती हो। गेट आउट माय लाइफ एंड तेरी लाइफ से चले जाओ। गो गो, तुझे कोई प्रॉब्लम तो बता ना। गो आउट ओके, सो फास्ट मोटेड योर अपना फोन उठाओ और दफा हो, चलो जाओ बाय।
थैंक यू सो मच आने के लिए, हमको अपना इतने कीमती सुनने कोई तांत्रिक कोई सिद्ध, हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता, समझी? देवता कोई हमारा कर्म ही हमको परेशान करता है, कोई और नहीं करता, ठीक है? ये तुम्हारे कर्म है, तुम रो रहे हो। सरवणी जी तेरी बहन रो रही है, तू यूं गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर? बस 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 बाबू चुप है। सुनना मैं ना हो बहन, अब रोना मुझे यार, बहुत बहुत सॉरी यार, मैंने तेरा दिल दुखाया, वैसे मैं सिगरेट नहीं पीता, तुझे बता दूँ नहीं पीता मैं, बताया मुझे। ये दो दो जो मैंने फेंकी है क्या कर रही थी फिर तेरे पॉकेट में? क्योंकि सिस्टर आई एम प्रैंकस्टर एंड तो प्रैंकस्टर है तो सिगरेट पिएगा, जो मर्जी आएगी तेरी वो करेगा, दो बजे रात को घूमने जाएगा। एक्चुअली ना मैं फिलहाल तो प्रैंक कर रहा हूँ, आंसू पहुँच लो अपने। सच में रोगे यार, सॉरी यार, मैंने इतना ना सोचा इतना रो देगी। सो गाइस, मैंने बोला था कि मैंने आज तक अपनी बहन के ऊपर कभी भी एंग्री प्रैंक करा था, सच्ची होता हूँ तो कोई सिगरेट विगरेट का चीज़ है, एंग्री प्रैंक करा था। तो गाइस मैंने सही बोला था, मैंने आज से पहले कभी भी अपनी सिस्टर के ऊपर प्रैंक नहीं करा था, सॉरी बहन। और देख सामने कैमरा देख ले भाई, चुप हो यार, अब नहीं कर रहा मैं सामने। हाय हाय, हाथ ला दी भाई कैमरा मैन, दिख गया होगा, दिख गया सॉरी। तो गाइस मैंने सच्ची बोला था कि मैंने आज तक अपनी बहन के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करा, और देख लो यार आज मैंने पहली बार तुम्हारे लिए गुस्सा करा है, बस क्योंकि मुझे प्रैंक बनाना था, सॉरी यार दिल से। मुझे दिल में बहुत बुरा लगा, मेरा दिल अंदर से रो रहा है, बाहर से मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो सिगरेट पीते हुए लड़के अच्छे लगते हैं? सिगरेट नहीं पीता वो, पब्लिक को ही कहता है। कैसा लगा बहन प्रैंक आपको? तो गाइस होप करता हूँ कोई वाला प्रैंक बहुत ही पसंद आया होगा यार, आया होगा। बहन मेरी बहुत रो गई यार, सॉरी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैंक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रॉब्लम में तेरे लाइफ में, इस बात में घर जाकर बताऊंगी, अभी तूने प्रैंक किया। तो गाइस चलते हैं, एंड बाय बाय, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड ये दीदी का इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तेरे टेडी लेके आई थी ना, बाय बाय।